मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ NIFT पंचकुला। आई वॉज 50 ईयर्स ओल्ड जब मैंने बाइकिंग सीखी। मैं पति को बता के बिल्कुल नहीं गई कि मैं बाइक सीख रही हूँ। मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपया था, बाइक मेरी कम से कम 2.5 लाख की आई। बात सिर्फ बाइक राइड की नहीं है, बात सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की भी है। और अगर आप बाइक की बात करें तो सिर्फ ये मर्दों का काम नहीं है, लड़के नहीं, ये हमारे साथ जो आज वुमेन आप देख रहे हैं, लड़कियां देख रहे हैं, ये भी उसी रफ्तार से बाइक चला सकती हैं। जमाना बदल गया है और खासकर मैं पंजाब या चंडीगढ़ की बात करूं तो पूरा एक ग्रुप है जो अपने शौक को जिंदा रखे हुए। आज हम आपको खास ऐसी कुछ महिलाओं से, लड़कियों से मिलवाएंगे जो अपने कामकाज के साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी बाइकिंग के शौक को भी पूरा कर रही हैं और उनके परिवार भी उनको सपोर्ट करते हैं। और आप ये जो डिफरेंट डिफरेंट बाइक्स देख रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स बाइक हो या बुलेट हो या इनफील्ड जो भी हो, लेकिन सबसे अहम इसमें यह है कि इन्होंने अपने शौक को जिंदा रखा है। शुरुआत मैं करूंगा, आपका क्या नाम है? निकिता। निकिता, आप क्या करते हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ NIFT पंचकुला में। पंचकुला में मैं जिस बाइक रॉयल इनफील्ड पे आपको देख रहा हूँ, तो एक प्रोफेसर और बाइकिंग, ये आपको शौक कहाँ से लगा? जी ये शौक स्कूल में ही शुरू हो गया था, जब MTV पे रोडीज आता था, तब से मुझे येलो कलर की करिश्मा बहुत पसंद थी और मन में होता था कि जब बड़ी हो जाऊंगी 18 साल की तो कभी शायद बाइक चलाऊंगी। और ऐसा ही हुआ, एक दिन 11वीं कक्षा में मैंने अपने चाचा जी की बाइक उठाई बिना किसी प्रैक्टिस के या पूछे और बाइक लेके मेन रोड पे निकल गई और बाइक रास्ते में बंद हो गई थी और मैं वहीं रुक गई थी और घर वाले ढूंढते ढूंढते पहुंच गए थे। तो शुरुआत 6th क्लास से हुई कि शौक था, बट ये था कि कुछ करना है। और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे PhD मैंने अपनी करी वहां से। और PhD के बाद सोचा कि अब क्या, कि क्या चीजें हैं जो मैंने अब तक पूरी नहीं करी है। अकेडमिकली ठीक है, सब कुछ जरूरी है, बट फिर आया एक मोमेंट मेरी लाइफ में जब मैंने एक टी शर्ट देखी जिसपे लिखा था रूल द रोड। उसको मैंने समझा कि रूल द रोड का मतलब है रूल योर लाइफ। तो जो भी आपकी बकेट लिस्ट है, चेकलिस्ट है, जो जो काम आप करना चाहते थे, आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया, आपने आप करियर में स्टेप कर गए हैं, बट अब आप चाहते हैं अपने लिए कुछ टाइम निकालें। तो मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया कि मैं 30 किलो वजन अगर कम कर लूंगी तो मैं अपने आप को एक बाइक गिफ्ट करूंगी। आपने बाइक गिफ्ट की फिर आपको? जी मैंने खुद को अपनी बाइक गिफ्ट की, 30 तो नहीं, मैंने 20 किलो वजन जरूर घटाया था जो अब थोड़ा बढ़ चुका है, बट स्टिल अप्रिशिएट अपने आप को भी करना चाहिए। और घर वाले थोड़े से थे सेफ्टी रीजंस की वजह से, कि क्योंकि वो कहते हैं तुम अगर स्लो भी चला लोगे तो बाकी गाड़ियां तो तेज चलती हैं। परिवार ने रोका नहीं ना, मतलब मेन भी है। नहीं नहीं रोका नहीं, बट उनको चिंता थी। तो सबसे पहले आया मेरा हेलमेट, फिर आई मेरी जैकेट और बाद में आई मेरी बाइक, वो भी जब मैंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे सब कुछ अपने लिए पूरा किया, पैसे इकट्ठे किए और खुद को ये बाइक गिफ्ट करी। तो ये कह सकते हैं कि देखिए ये शौक की बात है कि पहले वो नॉर्म्स भी पूरे करने पड़ते हैं ना, टर्म एंड कंडीशन, और यही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है आपका? मैं दलबीर कौर, माय नेम इज दलबीर। दलबीर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोहाली खरड़ से। हाँ जी, तो आप तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी निकल पड़ेंगी बाइक लेके, अगर आप अपनी बात करें, है ना? क्या करती हैं आप? मैं होम मेकर हूँ। अब अगर मुझसे कोई पूछता, जैसे आपने पूछा कि आप क्या हैं, कौन है, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, आई एम ए बाइकर। बेशक हाँ, जैसे बाइकर नहीं तो हमें न्यू वर्ड मिला है हमारे सर से, तो मैं चाहूंगी होम मेकर तो हम है ही हैं, लेकिन अगर हट के हमने कुछ किया लाइफ में, दैट इज हमने बाइक राइड की है, तो आई एम बाइकरनी। बाइकरनी, ये अच्छा नाम दिया। और उन शख्स से भी आपको मिलवाएंगे जो बाइकरनी है, ये सारी हैं। तो आप घर पे रहती हैं, लेकिन ये बाइकिंग का शौक आपके हस्बैंड ने आपको पूछा होगा भी ये क्या है, अब इस उम्र में कुछ होता है ना जैसे आम घरों में? ऑफ कोर्स, आई वाज 50 इयर्स ओल्ड जब मैंने बाइकिंग सीखी, तो हस्बैंड फैमिली वाला तो कोई अलाउड करेगा ही नहीं। पहले तो मैंने उनसे छुप के सीखी, सीक्रेट रखा इस चीज को, बिकॉज आई नो मेरी मदर इन लॉ हैं जो मेरे पास हैं, तो शी इज 85 इयर्स ओल्ड, तो उनकी देख रेख के लिए तो मैं ही हूँ, क्योंकि बेटा इज इन कैनेडा एज अ लाइसेंस पायलट है वो, और हस्बैंड इन मर्चेंट नेवी एज ए कैप्टन, तो बोथ आर
आउट ऑफ द हाउस, तो मैं ही थी अकेली जो मदर इन लॉ को देखना था, तो इस रीजन से वो सेफ्टी रीजन से ही वो मुझे कभी अलाउड ही नहीं करते कि मैं बाइक सीखूं। तो सीक्रेटली पहले एक साल हमने सीखा, सीख के जब मैंने पूरे से कॉन्फिडेंट ले कर लिया कि हाँ आई कैन राइड, तो फिर मैंने उनको डिस्क्लोज किया कि मुझे बाइक लेके दो। तो उन्होंने लेके दी? हाँ जी, उन्होंने ही लेके दी। बड़ी मुश्किल से पहले प्रूव किया अपने आप को कि मैं आई कैन हैंडल इट। मेरे गुरुजी हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा श्रेय देती हूँ, आज अगर मैं कुछ हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। फैमिली का सपोर्ट पूरा रहा नो डाउट, लेकिन जो एक विश्वास जो उन्होंने मेरे अंदर जगाया वो हमारे हरदीप सर हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उनको बोला, उन्होंने मुझे बाइक दी, अपना रॉयल एनफील्ड हमने चलाया, हस्बैंड को दिखाया, देन ही थॉट कि हाँ आप कर सकते हैं। तो आप क्या वीकेंड पे बाइकिंग करती हैं या रूटीन में घर से भी अगर कहीं जाना हो तो आप बाइक लेके जाती हैं? छोटे मोटे काम करने होते हैं जिसमें मुझे कुछ कैरी नहीं करना है तो मैं बाइक निकाल लेती हूँ। अगर ऐसे कुछ सामान लेना कुछ है तो फिर मैं अपनी फॉर्च्यूनर निकालती हूँ। हस्बैंड का भी यही था, अगर तूने और नई गाड़ी फोर व्हीलर लेना है उसके लिए कहो, मैं आई एम रेडी टू गिव दैट। लेकिन बाइक तो यार मम्मी को कौन देखेगा, मतलब उनका कहीं ना कहीं डर था। फाइनली आपका शौक तो चलो पूरा हुआ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एंड ही इज वेरी हैप्पी। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, हर कोई पूछता है कि यार जब तुमने ये सीख लिया, नेचुरली हम खुश तो होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? तो पेरेंट्स अपना सॉरी अपने हस्बैंड फैमिली तो खुश होती है, नो डाउट उनके मुंह में था कि वाओ, लेकिन जो मैंने एक रियल खुशी देखी ना वो मैंने अपने हरदीप सर के चेहरे पे देखी। मैं और मेरी फ्रेंड मंजीत है, उनसे भी आप मिलोगे, तो हम दोनों ने जब इकट्ठे राइड की, सर ने हमें राइड करते हुए देखा तो हमने सर के फेस पे वो झलक देखी जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को फर्स्ट स्टेप लेते हुए चलते हुए देखते हैं ना फर्स्ट टाइम, जो खुशी अपने पेरेंट्स के चैंपियन बन जाते हैं ना। यस यस, खुशी होती है बिल्कुल, वो उनके चेहरे पे खुशी। तो बाकी हरदीप जी का जिक्र बार बार आ रहा है और हम मिलेंगे, क्या नाम है आपका जी? मंजीत कौर। अच्छा, आपका फ्रेंड्स हैं? हम दोनों सिस्टर, फ्रेंड्स लाइक सिस्टर जी। तो दोनों को इकट्ठे ही शौक लग गई था या क्या, आप कैसे आपने डिसाइड? हम दोनों अपने हर अच्छे बुरे काम में इकट्ठे ही साथ ही होते हैं। बचपन से शौक रखते थे कि बाइक चलानी है। मेरे चाचा जी के पास रॉयल इनफील्ड की बुलेट हुआ करती थी, जब वो आते थे बहुत दूर से धुक 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 की आवाज, तो मन बड़ा खुश होता था। उस समय से ही लगता था कि ये आवाज सुन के इतना मन खुश है तो चला के क्या मजा आता होगा। बस बचपन से ही सोचा था कि कभी जिंदगी ने मौका दिया तो एक बार बाइक चलाना जरूर सीखेंगे। मेरे दो बेटे, एक छोटा बेटा स्पेशल चाइल्ड है जो पूरी तरह से मुझ पर डिपेंड है, व्हीलचेयर पे है, उसकी लुक आफ्टर करने के कारण मेरे को टाइम नहीं मिला, कभी इस तरफ सोचा नहीं। अब जब बच्चे मेरे 18 प्लस हो गए, मेजर हो गए, तो थोड़ा सा टाइम सोचा अपने आप को भी दिया जाए। फिर मैंने दलवीर दीदी से जिक्र करा कि मुझको बाइक सीखनी है, चलो की बात है पता करें। तीन साल पहले हमने बोला कि दीदी बाइक सीखनी है, चलो पता करें। दीदी कहते तेरा दिमाग खराब है, क्या हाइट है, कभी हमने साइकिल नहीं चलाई, कभी हमने स्कूटी नहीं चलाई, बाइक कैसे चलाएंगे। मैंने कहा आप पता तो करो। इसी बीच हमारे फीमेल बाइकर्स राइडर्स ग्रुप की एक लेडी है नीरू सैनी, उन्होंने कहीं फेसबुक पर अपनी फोटो डाली बाइक चलाते, जो देखकर मुझे लगा ये बस अब शुरुआत हो चुकी है। फिर हमने नीरू मैम को फोन करा कि आपने बाइक कहाँ से सीखी। नीरू मैम ने हमें हरदीप सर का नंबर दिया। जब हरदीप सर से हम लोग मिले तो बस लगा कि जो पंख बंद थे वो अब खुल गए, अब सर ही हैं जो ये उड़ान हमारी भरवाएंगे। तो आपको ये बताइए, मैं सबसे पूछूंगा कि बाइक फिर आपने पति को कैसे मनाया? नहीं, मैं पति को बता के बिल्कुल नहीं गई कि मैं बाइक सीख रही हूँ। आप सुन रहे हैं, ये बता के नहीं गई जी, मैं कैमरा पे बोलना चाहूंगी कि मैं अपने पति को बता के नहीं गई। उसका रीजन था कि मेरे पास एक जो छोटा बेटा है वो बिल्कुल फिजिकली डिसेबल्ड है, तो मैं ही उसको लुक आफ्टर करती हूँ। हस्बैंड को था कि हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, दो बेटे हैं, अगर तेरे को कुछ हो गया इसको कौन देखेगा, तो बिल्कुल परमिशन नहीं मिलती। पर हाँ, हर चीज मैं अपने बेटे से जरूर शेयर करती थी। मैंने बेटे को बोला बाइक चलानी है, बाइक सीखनी है, सर का नंबर मिल गया है, बता कैसे सीखे। कहता मम्मा मॉर्निंग में जाओ, सुबह का टाइम आपके पास होता है, वो आपका मी टाइम है, आप जाओ यूज करो। फिर हम सर से मिले, सर के पास पहुंचे, जब बाइक चलाते लड़कियों को देखा तो थोड़ा सा लगा कि यार हो जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। पर जब बाइक पे बैठी, सर की रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350, मेरे को बैलेंस करनी नहीं आती थी। सर ने कहा आपका कौन सा लेग स्ट्रांग है देखते हैं, आप इसको राइट पे करिए। जब राइट पैर नीचे रखा तो बाइक राइट साइड, सर ने कहा नहीं लेफ्ट पे आओ, जब लेफ्ट रखा तो लेफ्ट साइड। दो सेशन में सिर्फ गिरती रही। अब थोड़ी खरोची भी आई, घर जाके फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, बोला किसी को नहीं बताएंगे। सर से कहा सर
बाइक तो सीखनी है, चोटे जितनी मर्जी आए बस हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि बेटा है उसको कौन पालेगा। मतलब एक मन में जोश था। अब आ जाते हैं कि आपके पति को ऐसे पता चला। पति को ऐसे पता चला कि बाइक मैंने सीखने के बाद बुक करा ली, मैं और बेटा जाके एडवांस मनी दे आए, बुक करा ली, और मेरे जो अकाउंट में पैसे थे, मुझे मालूम था हस्बैंड तो लेके देने वाले नहीं, तो मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपया था, बाइक मेरी कम से कम 2.5 लाख की आ रही थी। अब 1 लाख रुपए की जरूरत थी, सोचा कैसे मांगे क्या बोले, तो मैंने एक सस्पेंस बना के रखा, हस्बैंड को बोला मुझे 2 व्हीलर चाहिए, मैंने लोन लेना है, आप मुझे अपने ITR के कागज दीजिए। तो वो बोलते हैं ऑलरेडी घर में स्कूटी खड़ी है, बाइक का तुमने क्यों लेनी है नई स्कूटी। तो मैंने कहा अच्छा, इनका माइंड सिर्फ स्कूटी तक गया है, अभी हमारा समाज इतना डेवलप नहीं हुआ है कि लड़की ले रही है तो शायद बाइक लेगी, उनकी सोच सिर्फ स्कूटी तक ही सीमित है। तो मैंने कहा सस्पेंस बना रहने दो, मैंने कहा नहीं मेरे को चलानी है बस। फिर इस बीच में मेरे हस्बैंड का प्रॉपर्टी का काम है, मेरी एक फ्रेंड मेरे हस्बैंड की ऑफिस गई, उसने कहीं फेसबुक इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियोस देखी थी और जाके बोला अरे मंजीत तो बहुत अच्छी बाइक चलाती है, सूट बड़ी करती है, जचती है। तो मेरे हस्बैंड है बाइक, शायद इसको गलत फहमी हुई है, आजकल उसको स्कूटी का चढ़ा है शौक, वो स्कूटी जरूर चलाती है मगर वो शांत रहे। घर आए तो मैंने कहा मुझे कागज दीजिए, मुझे लोन के लिए अप्लाई करना है। तो हस्बैंड कहते हैं तो फाइनली शॉर्ट में मैं पूछना चाहता हूँ कि जब उनको पता चला कि बाइक लेनी है उनका रिएक्शन क्या था। जी जी वही बता रही हूँ कि हस्बैंड ने बोला अरे तू बाइक सीख रही है, मैंने कहा मैंने कल बाइक ही लेनी है, कल मेरी बाइक की डिलीवरी है। कहते क्यों चलानी है, मैंने कहा देखो सारा दिन बच्चा संभालती हूँ मैं, पूरी जिम्मेवारी से सबके लिए करती हूँ मगर एक मेरा शौक है, बड़ा मजा आता है चला के, ना मैं भूल जाती हूँ कि मेरी जिंदगी में कितनी टेंशन है। फिर हस्बैंड कहते अगर ऐसी बात है तो तूने लोन क्यों लेना, चल मैं खुद लेके दूंगा। नेक्स्ट डे हम मेरी और दलवीर दीदी दोनों की बुकिंग थी, हम दोनों ने इकट्ठे जाके बाइक ली, सर को लेके गए साथ, सर से पूछे, मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे। जब मैंने बाइक फर्स्ट टाइम चलाई तो मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स को कहते देख यार मेरी वाइफ बाइक चला रही है। इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है, आपकी जीत है एक तरह से, और क्योंकि बाकी भी हम कहानियां सबकी सुननी है। क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या आप क्या करती हैं? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ अभी पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी। अच्छा हाँ जी। तो आपके पास जो मैं बाइक देख रहा हूँ होंडा की है ना, तो अनन्या ग्रेजुएशन कर रही है और बाइकिंग का शौक? बाइकिंग का शौक मुझे था, लाइक मैंने जैसे बाइक रेसिंग एंड ऑल होती है मैं वो देखती थी जब मैं छोटी होती थी, तो मुझे वहाँ से बाइकिंग का शौक आया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी। तो मुझे वहाँ से बाइक का शौक आया, तो जैसे मैं कॉलेज में गई तो पेरेंट्स ने बोला अब कॉलेज में रोज अप डाउन करना है तो एक्टिवा ले ला देते, तो मैंने बोला नहीं मुझे एक्टिवा नहीं, मुझे अब बाइक में एक्टिवा ही आती है। हाँ। तो मैंने बोला मुझे एक्टिवा नहीं चाहिए, मुझे बाइक दिला दो, मैंने बाइक सीखनी है, मैं वही चलाया करूंगी रोज। फिर मेरे पेरेंट्स कैसे कुछ नहीं था, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि ठीक है तू सीख ले, हम तेरे को दिला भी देंगे, उन्होंने बड़े आराम से दिला भी दी। बट एक चीज थी कि मुझे चाहिए थी थोड़ी स्पोर्ट्स बाइक, वो उन्होंने ला के नहीं दी, उन्होंने मुझे ला के दी ये क्रूज बाइक अभी, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्पोर्ट्स बाइक से बैक में इश्यूज आ जाएंगे या कुछ भी ऐसे इश्यूज हैं, तो उन्होंने कहा कि क्रूज बाइक ले ले हम स्पोर्ट्स नहीं ला के देंगे। यहाँ पर था मेरा थोड़ा, बाकी उन्होंने पूरी सपोर्ट किया मुझे कि ठीक है बाइक लेनी है तो बाइक ले लो, सीखने जो करना करो, वो ऐसा कुछ नहीं। रेसिंग की तरफ जा रही है कि बाइक रेसिंग? हाँ जी। अब मैं अभी TVS का इवेंट हुआ था, सिलेक्शन इवेंट गुड़गांव में, तो मैं वहां गई थी, वहां पे आई स्टूड सेकेंड, तो वहां पे मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। अब मुझे आगे चेन्नई के लिए उन्होंने बुलाया मई में, तो वहां पर एक और राउंड होएगा सिलेक्शन का। तो मतलब हम कह सकते हैं कि नेशनल रेसर हमारे सामने खड़ी है, कह सकते आने वाले टाइम कह सकते हैं। पर इसके लिए काफी चैलेंजेस भी हैं, चाहे वो मेंटली बात करो, आप प्रिपरेशन बहुत एक हार्ड अलग ही लाइन है तो है, मतलब प्रिपरेशन है, आपको प्रैक्टिस चाहिए इस चीज के लिए काफी कुछ, मतलब काफी, और इंजरी के काफी चांसेस रहते हैं। एक्चुअली मैं ना इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन करती हूँ मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, उनमें से एक लग्जरी क्रूज है इटली के कोस्टा, तो उनके साथ आई एम डूइंग ट्रांसलेशन, एक्सकर्शन पे जाना, जो टूरिस्ट होते हैं उनको समझाना इंडिया में भी कि इंडिया में क्या क्या है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करना, एवरीथिंग। सो वी डू दैट। बाइकिंग का शौक कहाँ से लगा आपको? सी आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली और हमारे घरों में तो नॉर्मली बुलेट होता ही है, तो आई वॉज टॉट बाय माई फादर इन आई थिंक अराउंड 2006-07 समथिंग लाइक दैट। उनके पास उस टाइम तो बॉक्सर था, तो बॉक्सर पे पापा ने मेरे को खेतों में सिखाया, और पहले ही जो इंसिडेंट था मैंने पापा को ही, जो हमारा होता है ना राइस के फील्ड, उन्होंने मेरे को बोला कि ब्रेक आगे है एक इसकी और एक नीचे है इसकी, मेरे को याद ही नहीं रहा कि नीचे भी है, मैंने आगे वाली दिखाई और पापा सीधा खेत में, तो उसके बाद कहते मैंने तेरे को नहीं सिखानी, बट देन स्लोली ग्रेजुअली आई लर्न एंड देन फिर डेली का हो गया कि उठा ली कहीं भी चले गए, मतलब अभी चलाते हुए जो है काफी टाइम हो गया, पर जो प्रॉपर फील्ड में मैं हूँ अभी तो दैट इज फ्रॉम 2021। इसकी बाइक की आपकी कॉस्ट कितनी है?
दिस इज जस्ट फॉर 1,52,000. अब पहले की ये बिल्कुल जो फर्स्ट मॉडल था ये वो वाला है. अब जो बाइक आ चुकी है ये दैट इज अराउंड मैक्सिमम 2 पे जाएगा ही जाएगा इसका बजट. अब कहाँ कहाँ तक गई हैं बाइक पे, सोलो राइड या एक होता है? सोलो, मोस्टली मैंने सोलो करा है. तो आई हैव डन द क्रेजिएस्ट आई हैव डन इज नेपाल राइड, दैट वॉज मस्टैंग, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला पार्ट है. एंड देन वहां पर तो रोड ही नहीं है पहली बात तो. एंड देन सेकंड द क्रेजिएस्ट आई डिड इज सच पास. तो सच पास ऐसी जगह है जहां पे आपको ना टावर मिलेंगे नेटवर्क, ना आपको रोड्स मिलेंगी. एक टाइम तो ऐसा आ जाता है जहां पर आपको कोई बंदा भी नहीं दिखेगा. आपके साथ कुछ हो गया ना तो आप बस अल्लाह भरोसे, जिसको कहते हैं ना कि राम भरोसे, वो वाला हाल हो गया. कोई आएगा तो आप जाओगे, नहीं तो फिर आप वहीं हो, फिर फंस गए आप. क्योंकि देखिए इसमें मेंटेनेंस भी बहुत है, फिर आपके लिए आपको बचाव भी करना है, और कहते हैं ना कि फाइनेंशियली एक सपोर्ट बहुत होती है. और पेरेंट्स भी लगता है कि ठीक है एक बाइक ले दी थी, लेकिन एक मस्टैंग जाना, नेपाल जाना, इंडियन फैमिलीज में रहता है कि चिंता के क्या जरूरी है करना, ठीक है आप लोकल चला लो. ये चीजें आई आपके सामने? नहीं, एक्चुअली मेरी जो बाइक्स हैं, मेरे पास दो है, एक BMW 310 GS है, एडवेंचर मॉडल है, और ये दूसरी ये एक्सपल्स है, तीसरी देखेंगे अब कौन सी आती है. तो मेरा सारा कुछ सेल्फ फंडेड है. मेरा अप्रोक्सीमेटली जो बाइक्स पे खर्चा आया है 7 to 8 lakhs आया है, वो मेरा खुद का फंडेड है. फैमिली डिडंट से एनीथिंग, दे वर लाइक जॉब करने करो. मैं एक्चुअली अपने पापा का लड़का हूँ. अच्छा, तो अभी नेक्स्ट कहाँ की राइड आप प्लान? अभी जो करूंगी मैं एक्चुअली बिकॉज ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम, जिसको हम DVT कहते हैं, ये भी लोगों को पता होना चाहिए. तो आई हैव अ DVT प्रॉब्लम दैट इज गोइंग ऑन, खत्म होने के कगार पे है. मेरे ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से अगले 2 महीने में कोई ऑफ रोड नहीं करूंगी. मोस्टली तो मेरा है कि ऑफ रोड करना है, सीधी रोड्स पे तो जाना ही नहीं है. तो ऑफ रोडिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर कोचिंग सारा वो इसी बाइक पे होगा. इसके ऊपर रैली किट भी लगती है जो 930 mm तक ऊंचा हो जाता है, मतलब आप लटकते रह जाओगे, ये इतनी ऊंची हो जाती है. अभी ये 845 mm पे है, तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग में जाना है. ये हम बात है कि हौसले बुलंद. हाँ, पूरे खुद के खुद की बैकबोन है, फाइनेंसिस भी खुद के अपने हैं, सूट भी प्रॉपर खुद के अपने हैं, और बाइक भी खुद की अपनी है. खुद कमाया है, खुद बने हैं. बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट होता है कि देखिए शौक जब पूरा करना तो फिर खर्चे नहीं देखे जाते. क्या नाम है मैम आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुमन जम्वाल है. सुमन जी, आप मुझे लग रहा कहीं जा रहे थे शायद, है ना? आप करते क्या है? मैं पहले टीचर थी, अब मैं हाउसवाइफ हूँ. एक्चुअली मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी अभी कॉलेज के 4th ईयर में है और छोटी जो है वो भी 1st ईयर में है. तो दोनों इंजीनियरिंग कर रही हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो कॉर्पोरेट में है. तो जब आप वही बात करूंगा कि मम्मी को बाइक चलाते देखना और उनकी वाइफ जो बाइक चला रही है, आपकी भी स्टोरी कुछ है मिलती जुलती? कहाँ से आपको शौक लगा? जी एक्चुअली एक्चुअली मेरे पापा आर्मी बैकग्राउंड है हमारा, तो मेरे पापा आर्मी में थे. तो उस टाइम पे रॉयल एनफील्ड हमने बहुत देखी है अपने, तो तब से मुझे रॉयल एनफील्ड तो अच्छी लगती थी. लेकिन ऑब्वियस है हम चला नहीं सकते थे, छोटे भी थे. तो हमारे पास LML वेस्पा होता था, मैंने क्लास 10th पे उसको ट्राई किया. बहुत बार गिरे, क्लच ब्रेक का कंफ्यूजन रहता था. वो एक बार तो इतनी जोर से गिरी कि स्कूटर सारा टूट गया और चुपचाप आके खड़ा कर दिया. और उस टाइम स्कूटर्स ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते थे. तो नेक्स्ट डे पापा ने बहुत डांटा कि तुमने ऐसे किया और मुझे ऑफिस जाना है. बट 3rd डे उनको रियलाइज हो गया था, तो उन्होंने कीज रख दी थी कि तुमने जाना, जाओ चलाओ. तो वो एक शौक था मुझे, बचपन से शौक था. और फिर कॉलेज में भी LML वेस्पा चलाया. फिर हीरो होंडा था हमारे पास, उसको थोड़ा ट्राई किया, लेकिन इतना मतलब लेडीज उस टाइम इतना चलाती नहीं थी, लड़कियां चलाती नहीं थी. तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा कम कर दिया. तो शादी के बाद फिर कैसे? शादी के बाद एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने पल्सर ली थी, तो पल्सर के साथ वही शौक फिर शुरू हुआ. लेकिन तब बेटी छोटी थी, तो फिर हमने बंद कर दिया. मैंने कहा चलो ठीक है, बाद में करेंगे. फिर अपनी लाइफ जैसे चलती है वैसे चलती रही. लेकिन अचानक से जब मैंने स्कूल के बाद देखा, अब जब बड़े हो गए बच्चे, तो हरदीप जी हैं हमारे साथ, उन्होंने बताया कि हमारा एक ऐसे ग्रुप है. तो मैंने हस्बैंड से बात की और उनको पता था कि मुझे बहुत शौक है इस चीज का, और मुझे ड्राइविंग का वैसे भी बहुत शौक. नहीं, उन्होंने मुझे गिफ्ट दी है बाइक, मीटियोर. आज मेरे पास, अभी मैं लेके नहीं आई, लेकिन उन्होंने मुझे फिर गिफ्ट दिया और उन्होंने कहा कि आप करो जो आपने करना है, आई एम हैप्पी फॉर यू. अभी ड्राइव उनको देते हैं बैठ के, अभी बैठो चलो जी चलते हैं कहीं पे. हाँ जी, उनके साथ जाते हैं, कभी कभी जाते हैं. लेकिन वो कहते हैं कि आप अपना एंजॉय करो, वो ज्यादा अच्छा है. क्योंकि वो ऑफिस रहता है कि डर कई बार होता है ना कि नहीं यार ये
लड़कियों पे थोड़ा सा रहता है कि ठीक चलाएगी नहीं चलाएगी? ही इज सो कॉन्फिडेंट, वो हमेशा मुझे कहते कहते तो मुझे पता है कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मुझे वो सरप्राइज गिफ्ट मिला है, ऑफिस से उन्होंने बुक किया था हरदीप जी के साथ। और मुझे सिर्फ वीकेंड पे ड्राइव करती हैं? हाँ जी, वीकेंड पे ड्राइव करते हैं हम लोग, चले जाते हैं, बट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, मैंने मैक्सिमम 200 तक किया है। अच्छा। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं इंक्रीज करूंगी, बट एज अ मॉम मुझे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिखती हैं। चलिए, फाइनली शौक तो पूरा हुआ। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, अब आपको मिलवाते हैं इनके सबके गुरु हरदीप जी से, जिन्होंने बाइकरनिया, ये सारी बाइकरनिया है ना जो एक नाम दिया है। हरदीप जी आइए, ये है वो गुरु और जिनकी बात कर रहे थे हरदीप जी, जो विमेन को ट्रेन करते हैं। हरदीप जी, ये कब आपको लगा कि ये बाइकिंग का, जैसे घर में तो आपको जब खुद करते हो, लेकिन विमेन्स को बाइकिंग सिखानी, लड़कियों को बाइकिंग सिखानी? सर एक्चुअली मैं रॉयल फील्ड में वर्किंग हूँ 4-5 साल से, तो राइड्स कर चुका हूँ, आधा इंडिया कर लिया ट्रेवल। तो वैसे आइडिया है कि ठीक है, हमने कर लिया, एक अपने पैसे खर्चे, घूम लिए, तो उसके आगे क्या, मतलब हम कुछ एक्स्ट्रा करें कि सोसाइटी को कुछ दे पाएं वापस, तो क्या करें। तो फिर एक आइडिया था मन में कि ऐसे बाइकिंग सिखाने में, मैंने दिल्ली था, मैंने देखा वहाँ पे लड़कियाँ चलाती थी, तो फिर एक मैंने फ्रेंड से शेयर करा, वो कहता मैं कहा शुरू करते हैं यार एक बार, ऐसा आइडिया मेरे मन में, कह रहा चलो करते हैं। तो हमने अपने अपने फ्रेंड सर्कल्स में बोला, किसी की वाइफ को, किसी की सिस्टर को सीखना है, तो 4-5 लड़कियों से स्टार्टअप करा हमने। 2-3 साल हो गए, 2020 में किया था हमने। अच्छा, ये शुरू कब किया आपने ग्रुप? 2020 में शुरू करा था, आफ्टर कोरोना। आफ्टर कोरोना, तो अभी कितना आपका ग्रुप है, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ या पंजाब की बात करूँ? सर चंडीगढ़ में मेरे पास अराउंड 90+ लड़कियां हैं, 90+ लड़कियां हैं, इसमें से आधी कुछ सीख चुकी हैं, कुछ सीख रही हैं, कुछ जो ऑलरेडी जिनको आती है, एक्चुअली हमने जोड़ के ग्रुप बना लिया कि ठीक है कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कोई एक्सपीरियंस लड़की भी है। तो यहाँ करते करते 3 साल में फिर हमारे पास इंक्वायरीज सर पंजाब से आनी शुरू हो गई, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर दिसंबर में 2023 में हमने अमृतसर शुरू करा, और अब कल से शायद लुधियाना से भी शुरू करेंगे, लुधियाना भी शुरू कर लिया है। तो हर जगह से एक इंक्वायरी आने शुरू हो गई। तो लड़कियां एक्चुअली क्या है कि सीखना सब जगह चाहती हैं, अब अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई सिखाने को राजी नहीं है कि बाइक कौन सिखाएगा। और ये भी फेस करना पड़ता है फैमिली सपोर्ट, फादर मदर मना कर रहे हैं, कोई हस्बैंड है, ये भी आपको? बिल्कुल सर, मेरे पास जितनी अपनी स्टूडेंट हैं सबकी अलग अलग स्टोरीज है, सबका अलग अलग स्टोरीज है, कोई हस्बैंड घर से झूठ बोल कह रहा है, किसी को सपोर्ट है, किसी को नहीं है, मतलब सबका अपना अपना एक, मुझे सबके एक्सपीरियंस, मैंने सबकी स्टोरी सुनी है, सबके एक्सपीरियंस है, सबका सीखने का तरीका अलग। लगा कि जो क्रेज बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, खासकर वीमेंस में, लड़कियों में? बिल्कुल सर, एक्चुअली सर उनमें क्रेज है, कॉन्फिडेंस है, ये हम लोग ही, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, या तो घर में फंस जाती है, मैरिज हो गए, बच्चे हो गए, तो वो चक्कर में फंस जाती है, तो वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल नहीं पाती। दूसरा मेल डोमेन सोसाइटी है, थोड़ा ये फर्क पड़ता है, अच्छा स्कूटी चला ले, बुलेट चला के क्या करेगी, तो वो एक फर्क पड़ता है, वो फैक्टर बहुत जगह आया, मेरे पास भी आया जब मैंने दूसरी सिटीज में स्टार्ट करा, तो कहते लड़कियां स्कूटी चला तो लेती हैं, अब तुम बुलेट सिखा के क्या करोगे, तो एक सोच का फर्क। तो कितने विमेंस हैं आपके ग्रुप में, चाहे पंजाब में हो, चंडीगढ़ में, टोटल आप कितना का भी लग रहा है आपको? सर 100+ है मेरे पास, मतलब बहुत बड़ी बात है। चलिए, अच्छा है कि विमेन एम्पावरमेंट बढ़ती रहे, महिलाएं वैसे भी बहुत आगे हैं, चाहे वो जहाज उड़ाने की बात हो, साइंटिस्ट हो, ये भी एक शेयर की शौक बहुत अहम चीज है, और समाज का जो सोच है वो बदल रही है, उसका उदाहरण आपको दिखाया कि घर परिवार भी अब अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपनी साथ एक जो अपने अर्धांगिनी है उनको भी आगे ला रहे हैं, और ये एक बहुत अहम पॉइंट है इस सोसाइटी का, और यही बदलाव है जो शायद समाज को आगे ले जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं NIFT पंचकुला। I was 50 years old जब मैंने बाइकिंग सीखी। मैं पति को बता के बिल्कुल नहीं गई कि मैं बाइक सीख रही हूँ। मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपया था, बाइक मेरी कम से कम 2.5 लाख की आई।